और उस नारे को जब आगे बढ़ाया तब उन्होंने कहा कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा होया, चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना हो कि नीर हराम, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का दसवां हिस्सा हो, और सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार इसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, और जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, ये नारा लगा था, और समाजवादी जगह है ये भाई। बिहार के लोगों आपसे ऊर्जा लेने के लिए मैं इस इतिहास को याद कर रहा हूँ। क्या बोला था उन्होंने, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत और रोटी। हमारी लड़ाई इज्जत और रोटी की लड़ाई थी, जितने लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है वो इज्जत और रोटी की लड़ाई। तो समाजवाद का नारा था मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। वो नारा जब आगे बढ़ा उन्होंने क्या लिखा उस नारे में कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश, ये किसने नारा लगाया था? बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से ये मुहावरा किसने बनाया था? ये सवाल हमने पूछना शुरू किया, क्योंकि तुमने कभी अपने धर्म के नाम पर हमें एक माना ही नहीं, तुम हमें जातियों में बांटकर अपमानित करते रहे हो। अहिर गडरिया कुर्मी चोर और घर सारे का टंगरी, तो गर्दन काटने और जीव काटने वालों को मेरा एक सवाल है भाई, आपके यहाँ तो काटने मारने का परंपरा नहीं था, आपके यहाँ तो ऐसी ताकत हुआ करती थी कि एक श्राप दे देते और ये भस्म हो जाते। कहीं किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सम्राट अशोक ने जब तलवार उठाई तो वहां मैं गया हूं उस जगह पर, बंगाल में नदी का रंग लाल हो गया था, और जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया, ये पंचशील झंडा पूरी दुनिया में लहराया, उस ताकत का नाम है सम्राट अशोक। और उसकी बात मैं बिहार में जब भी आता हूँ तो याद, कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कार्यक्रम की कामयाबी मंच से कम होती है, मंच के सामने जो लोग बैठे होते हैं उनसे ज्यादा होती है, तो इसीलिए मैं किसी का नाम लिए बगैर, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मैं सीधे इस बात पर आ रहा हूं कि हम जैसे लोग इस बात को समझते हैं कि असल में लड़ाई विचारधारा की है, असली लड़ाई विचारधारा की है। किसी नेता के खिलाफ किसी पार्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कलम और किताब बचाने की है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं फतेह बहादुर जी का, और उससे ज्यादा शुक्रिया उस राजनीतिक दल का करना चाहता हूं जो अपने विधायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और मैंने हिम्मत दी है। एक शेर बड़ा मौजू है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए मैं पूरी तरह से इस बात की इस लड़ाई की इस वैचारिक लड़ाई के साथ खड़ा होने आया हूं। क्या बोला था इन्होंने फतेह बहादुर जी ने, उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले का कोटेशन बोला था। इस मंच पर आदरणीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या बोला था, अधम जाति में विद्या पाए भय हुआ था अहि दूध पिलाए, और इस बात के लिए कहा कि हमारी पूरी लड़ाई मान सम्मान की है, और जिस ग्रंथ में हमारे लोगों के लिए कोई गलत बात लिखी होगी तो हम उसकी आलोचना करेंगे। क्या बोला है तमाम उन बहुजन लोगों ने जो ये सवाल खड़ा किया सम्मान और स्वाभिमान का, तो गर्दन काटने और जीव काटने वालों को मेरा एक सवाल है,
भाई आपके यहाँ तो काटने मारने का परंपरा नहीं था, आपके यहाँ तो ऐसी ताकत हुआ करती थी कि एक श्राप दे देते और ये भस्म हो जाते। ये तो हिंसा आपके धर्म में तो थी नहीं। इसका मतलब कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा श्राप बना ही नहीं है, वरना गर्दन काटने की बात नहीं करनी पड़ती। इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि वैचारिक लड़ाई कलम और किताब से लड़ी जाती है, और त्रिशूल और तलवार के खिलाफ कलम और किताब की लड़ाई का साथ देने के लिए मैं इस मंच पर आया हूं, और आप सबके सामने ये कबूल करता हूं कि इस कलम और किताब की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कलम किताब को जीतने की बात करेंगे। आज ये कार्यक्रम जो हुआ है, ये कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर, और ये होता है एक वैचारिक आंदोलन। अगर आपको फतेह बहादुर जी की कोई बात गलत लग रही है तो आपको यह कहना चाहिए कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले गलत हैं, नहीं कह सकते। अगर आपको बाकी लोगों की बात गलत लग रही है तो ये बात तो हजारों साल से हमारे पुत्र पूछते आए, तुम कत बाबन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध। मैं और चौपाइयां पढ़ता हूं, मैं तो अपने ऊपर बात भी नहीं कर रहा हूं। प्रोफेसर जी हैं, शिक्षा मंत्री जी, और अनड़ी आलोक मेहता जी बैठे हुए हैं, अनिता जी बैठी हुई है, मंत्री हैं। मैं आप लोगों के सामने देखे शुरू में एक बात कहना चाह रहा हूं। आलोक सर जब बोल रहे थे कि हमारी सरकार है तब ये कार्यक्रम हो रहा है और एक जलसे की तरह हो रहा है, और फर्क देखना होता तो आप हमारे यूपी में आ जाते, वहां अयोध्या मथुरा काशी तीनों है, और अगर आप इस तरह का कार्यक्रम चलाएंगे तो उसके लिए बुलडोजर खड़ा हुआ। ये अंतर है उनमें और हम में। वहां पर कांवड़ लेकर जाने वालों पर वहां के मुख्यमंत्री फूलों की बारिश करते हैं, और 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाला के शिकार एससी एसटी ओबीसी 500 दिन से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी पुलिस लाठी चलाती है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां तलवार और त्रिशूल के सामने आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार ऐसी है जिसने एक साल में 5 लाख लोगों से ज्यादा को सरकारी नौकरी दी, 5 लाख से सरकारी नौकरी ज्यादा दे दी। और अभी तो शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए, शायद 13 जनवरी को फिर 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, और ये है वो बिहार की जमीन। इसलिए मुझे लगता है सर, हमारे जैसे लोग जब बिहार आते हैं तो इसकी मिट्टी में आज भी हमें तथागत बुद्ध की तर्कशील प्रज्ञा करुणा की ताकत महसूस होती है, इसलिए हम बिहार से ऊर्जा लेकर जाते हैं। इस बिहार जब हम आते हैं तो सम्राट अशोक को याद करते हैं। आज के लोग कहते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, और यहां के लोगों को कहते हैं कि अगर आपको इनका मामला कबूल नहीं तो आप पाकिस्तान चले जाइए, बोलते हैं ना। और अखंड भारत में 45 करोड़ मुसलमान बाहर से भारत में आ जाएंगे, उसका क्या करोगे। इसलिए जब बिहार हम आते हैं तो सम्राट अशोक को याद करते हैं, ये इतिहास है आपका। हमारी लड़ाई किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सम्राट अशोक ने जब तलवार उठाई तो वहां मैं गया हूं उस जगह पर, बंगाल में नदी का रंग लाल हो गया था, और जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया, ये पंचशील झंडा पूरी दुनिया में लहराया, उस ताकत का नाम है सम्राट अशोक। और उसकी बात मैं बिहार में जब भी आता हूं तो याद करता हूं। ये बिहार माननीय कर्पूरी ठाकुर की जमीन है। ये बिहार कर्पूरी ठाकुर की जमीन इसलिए मैं कहता हूं, इतिहास इसलिए भी याद किया जाना चाहिए सर। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और जिस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, आओ अगर आपकी भावना आहत होती है इस तरह के बयानों पर, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यही सवाल पूछा था कि अगर तुम्हारी किताब में कोई बात लिखी है जिससे हमारी भावना आहत होती है तो हमारी भावना की कोई कीमत नहीं है क्या, हम अपनी भावना आहत करने वालों के खिलाफ बोलेंगे, और इसका अधिकार हमें भारत का संविधान देता है, संविधान ने इजाजत दी। तो एक इतिहास ये भी याद करिए, और इस बात को आज कहने का वक्त है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, एक अहिर बिरादरी के और दूसरे
नई बिरादरी के। दिल्ली के लोग उस इतिहास को याद करिए, उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये किसने नारा लगाया था? बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से, ये मुहावरा किसने बनाया था? ये सवाल हमने पूछना शुरू किया, क्योंकि तुमने कभी अपने धर्म के नाम पर हमें एक माना ही नहीं, तुम हमें जातियों में बांटकर अपमानित करते रहे हो। अहिर गडरिया कुर्मी चोर और घर सारे का टंगरी तो भोजपुरी समझते हैं ना। तब मैं बिहार में खड़ा हूं, और उस बिहार में जो समाजवादी आंदोलन, बिहार के लोगों के इतिहास पढ़िएगा, त्रिवेणी संघ का आंदोलन जो 90 की बात करता है, उसके बाद अर्जक संघ और बाबू जगदेव प्रसाद का आंदोलन, ये आज के नौजवान जितने यहां आए हैं सेल्फी खिंचाने, मैं उनसे कहना चाहता हूं, पुराने लोग तो उस इतिहास के गवाह हैं, नौजवानों को आज पता ही नहीं कि धर्म की अफीम क्यों चलाई जा रही है, क्योंकि आपसे आपका इतिहास कोई पढ़ने नहीं देना चाहता है। बाबू जगदेव प्रसाद, महामना रामस्वरूप वर्मा, उनके नारे को याद करिएगा, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, और जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, ये नारा लगा था। और समाजवादी जगह है ये भाई, बिहार के लोगों आपसे ऊर्जा लेने के लिए मैं इस इतिहास को याद कर रहा हूं। क्या बोला था उन्होंने? दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत और रोटी। हमारी लड़ाई इज्जत और रोटी की लड़ाई थी, जितने लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है वो इज्जत और रोटी की लड़ाई। तो समाजवाद का नारा था, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। वो नारा जब आगे बढ़ा, उन्होंने क्या लिखा उस नारे में कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये नारा था, और उस नारे को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया। इस पूरे नारे में कहीं आपको हिंसा नजर आ रही है क्या? किसी के खिलाफ गाली नजर आ रही है क्या? किसी का अपमान नजर आ रहा है क्या? उस नारे को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया, सब पिछड़ा सन सोपा ने बांधी गांठ, और पिछड़ा पावे 100 में 60। और उस नारे को बाबू जगदेव प्रसाद और रामचंद्र वर्मा ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी के खिलाफ ये लड़ाई है क्या? ये लड़ाई आपके हक अधिकार की लड़ाई रही है। और उस नारे को जब आगे बढ़ाया, तब उन्होंने कहा कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, और टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना हो कि नींद हराम, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदनामी है। ये हमारी लड़ाई है, शिक्षा की कलम और किताब की लड़ाई है।